was success on Amazon. Very high sales, daily sales of near about 100 units or more. Hi, my name is Kumar Ujjwal and welcome to Power Lab. मैं जो डिस्कशन करने जा रहा था मैंने एक बार मुझे रिकॉर्ड कर लिया किसी को और को भी काम आएगी ट्रेनिंग करने से ओके हम जैसे एग्जैक्टली लोग काम करने वाले बहुत कम हैं बट जब कस्टमर के पास कॉल आता है तो उसके लिए सब कोई बराबर है तब यही कहते हैं कि सर हम आपकी सेल बढ़ा देंगे सर हम आपकी सेल बढ़ा देंगे सर समझ के तो पक जाता है जी उसको हो सकता है पास्ट में कोई खराब एक्सपीरियंस रहा हो कि बंदे ने पैसे ले लिया काम नहीं करा कुछ लोग होते हैं ऐसे कि फिक्स पैसे ले लेते हैं नहीं करते हैं। और आए दिन उसको हमारे जैसे लोग हो सकते हैं कॉल करते हो चाहे अमेजॉन से बोल के चाहे कहीं से अब उस भीड़ में हम अलग कैसे दिखें मतलब व्हाट द स्पेशल दैट पावर लॉ डज जिसकी वजह से लोग हमारे पास आएंगे या टिकेंगे सही बात है तो वो क्या होता है हमारा होमवर्क है वो आंसर क्यों हम स्पेशल हैं हम जो कॉल करते हैं उससे पहले ये काफी कुछ एनालिसिस करके आते हैं आवाज आ रही है आ रही है सर तो वो एनालिसिस हमें सेपरेट करता है हमारा होमवर्क हमें सेपरेट करता है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग देयर अटेंशन बिकॉज इफ यू कॉल देम एंड से कि सर मैं पावर लॉ से बोल रहा हूँ हम अमेजोन के पार्टनर हैं हम आपकी सेल बढ़ा देंगे और ये जैसे ही सुनते ही उसको हम आपकी सेल बढ़ा देंगे दिमाग खराब है उसका yes, बोलना यही है कि हम आपकी सेल बढ़ाएंगे पर ये नहीं बोलना है कि आपकी सेल समझ में तरीका अलग तरीका का ही डिफरेंस है तो उसको ये बताने yes, के बाद कि हम पावर लॉ से हैं मैं पिच सिखा रहा हूँ और हम ऑफिशियल अमेजोन के पार्टनर हैं सर हमारी सर्टिफाइड पार्टनर आई वॉज गोइंग थ्रू योर प्रोडक्ट्स आई डिड सम एनालिसिस हमारी कंपनी अलग अलग कैटेगरीज में ट्रैक करती है प्रोडक्ट्स तो मैं आपके प्रोडक्ट्स की कुछ टॉप के प्रोडक्ट्स देखिए और मेरे अनुमान से आपकी ये सेल्स टेंटेटिव ठीक है यस सर बट द कैटेगरी लीडर जो उसमें है उसकी ये सेल है समझ में तो अब दिस इंफॉर्मेशन इज सीक्रेटिव मतलब ये आइडियली किसी और को पता नहीं होनी चाहिए हमारी कंपनी अलग अलग सर्टिफाइड पर अलग कैटेगरी में ट्रैक करती है दिस इज लाइक इम्पोर्टेंट And I, if yes, you are sir. going through your category, which is XYZ name, stuff to I told you, which category mein hoga, and you have done some analysis, aapka jo product hai, wo itne piece bikta hai din ka, theek hai? Aur aapki ki category mein jo leader hai, jo top pe bech raha hai, yes, wo itne piece bech raha hai. For example, aap ho sakte ho 10 piece bech rahe ho, udhaaran ke liye le lete hain, wo 100 piece bech raha hai. Wo bhi aapke aur uske beech mein 90 piece yes, gap hai sir. ये फिल करने के लिए हम हेल्प करते हैं सेल्स अब हमने क्या कहा हम तो सेल बढ़ाएंगे हमने कहा ही नहीं हमने उसको हाँ. समझ गया ना नंबर में बात करी तो ये सुनते ही सर इसको कैसे पता इन सारी चीज कैसे मालूम है मेरे बारे में हो जाता फिर सुनना शुरू करता उससे पहले तुम्हें मैं ये हूँ मैं अमेजोन का हूँ मैं थोड़ा लसन उसने सुना भी नहीं हो सर कहती है क्या चाहिए थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है ये सुनते ही कि तेरी इतनी पीस है उसकी इतनी पीस है और ये तेरी कमियां हैं अगर आप चाहो सर कुछ मैंने कमियां देखी हमारी टीम ने एनालिसिस करी आपके प्रोडक्ट्स मुझे ये कमियां दिख रही हैं अगर आप चाहो तो मैं आपको बता yes, अब जब बताना नहीं है अगर आप चाहो तो मैं भी आपको बता दूँ दोनों में डिफरेंस है समझ गए ये फ्लो इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप चाहो तो मैं बता दूँ तो अब क्या हुआ पहला तुमने उसका इंटरेस्ट ग्रैब किया ये इंट्री किया किसे कैसे पता ठीक है और उसे yes, की सेल की और पता है फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तू अब उससे परमिशन मांग रहा है उसकी दुनिया में घुसने के लिए ही ओपन अप तुम बोलो सर मेरे को दिख रही है कुछ कुछ इशू जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एंड आई टेल यू कैसे वो इशू देखते हैं क्या वो इशू देखते हैं तो आपकी टाइटल में ये इशू लग रही है आपके फेस हुआ है आपके वेरिएशन नहीं बना हुआ सर ठीक है फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू थिंग्स दैट आई कैन सी आपके पांच आइटम है पांचों अलग अलग आप चला रहे हो सर उस तरीके से आई टीच यू ऑल दिस अज्यूमिंग ये तीन चार पॉइंट्स तू में बोलता है देन देयर ट्रस्ट पहला कर्नल ऑफ ट्रस्ट बनता है कि ये बंदा ना काम करके आया है ही इज एन एक्सपर्ट ही नोज व्हाट इज टॉकिंग इसने मेरे पे प्रोडक्ट्स पे काम किया है समझ में आया इसको और मेरे को बता रहा है कि मेरी क्या कमी है दैट्स फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट ठीक है यस सर
यहाँ पे आने के बाद सर अगर आप ये ठीक करोगे तो आपके एक्स वाई जेड परसेंटेज का ग्रोथ अपने आप ही होना है इस आइटम के लिए, इन आइटम्स के लिए, ठीक है सर। ये तो बात खत्म हुई। उसके बाद सर ये तो मैंने जस्ट 15-20 मिनट में एनालिसिस करके ऊपर ऊपर से देख के मैंने आपको कभी, ठीक है, हम एसेंशियली ऐसे सेलर्स के साथ काम करते हैं। हमारे पास कल अब चेंज कराऊंगा खड़ा, ये उसको इंट्री करके इंटरेस्ट ला के उसको अपने साथ, भला है हम उसका चाह रहे हैं, उसका भला होगा हमारे साथ, वी नो वी आर एक्सपर्ट्स, अब उसका मैं चेंज करा पाऊंगा खड़ा। वी ऑलरेडी हैव पीपल हु आर डूइंग 5 लाख की सेल अ डे विद अस, देयर आर सेलर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड हम एक कैटेगरी में एक ही सेलर के साथ काम करते हैं। ये कैटेगरी हमारे पास अभी वेकेंट है, जिसके लिए मैं टीम मेंबर्स पावर वर्क का खोज रहा हूँ, कोई हमें पार्टनर मिले जिसके साथ हम इस कैटेगरी में काम करें, सिंपल है सर। तो अगर आपको लगता है कि हमारी बात आपको सही लग रही है और हम आपके, इफ़ यू वॉन्ट वी कैन कीप यू अपडेटेड विद मोर इन्फॉर्मेशन इन योर कैटेगरी, डोंट सेल देम। यहाँ पे आने के बाद भी ये नहीं कहना कि आप हमारे साथ काम करो, आपको ये बोलना है कि सर आप हमारी चीज़ आ जाएगी, तो जब उसे वहाँ तक ले आए उसकी कमियाँ बता दी, उसके बाद ये बता दिया कि सर आप ऐसे सेलर हैं जो दिन की रूपी करते हैं, ठीक है, हम लोग सर ऐसे ब्रांड का काम कर रहे हैं और ये वो 2-3 नाम है, आप चाहें अगर ऑनलाइन है तो आप भी देख सकते हो, वरना आई शेयर दिस डिटेल इन डेप्थ ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपके लिए स्पेशल एक ग्रुप बना देता हूँ इन विच आई कीप यू अपडेटेड विद आपकी कैटेगरी में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कौन से बंदे की एंड कौन सा प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी में कितना बिक रहा है, ठीक है। I'll give you more information. Plus, I'll add my seniors in the group where they will educate you. मतलब हम आपको और बताएंगे information आपके group के बारे में, तो आपको useful लगे तो आपको use कर सकते, simple, ठीक है। So your goal is to get him to be added to a particular WhatsApp group, खुशी खुशी, ठीक है। उसके जैसे हमने देखा होगा, अगर नहीं देखा मैं बताता हूँ, हमारे हर कस्टमर के लिए एक अलग ग्रुप बनता है, WhatsApp है, जिसमें हम काम करते हैं। देखा सर मैंने मीटिंग में, हाँ अभी देख रहा था मैं मीटिंग में, हाँ वो अलग अलग ग्रुप बनते, उसका ग्रुप बनेगा और उसमें भी हम उसको बेचेंगे नहीं, उसको हम कहते नहीं है कि भाई तू हमारे साथ आ, उसको हम अपने फायदे दिखाते हैं, ये गलतियाँ कर रहा है तेरा, तेरा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है। सो अगर वो इतने बोतल में उतर गया कि हमारे साथ व्हाट्सएप में आ गया, तो 2-3 दिन लगातार उसको ज्ञान भेजो, सुबह उठ के सबसे पहले ज्ञान भेजो, इधर मैंने ये कमी देखी है या ये चल रहा है परफॉर्मेंस ब्ला 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 कैटेगरी का, ठीक है। आप चाहो तो मैं और डेप्थ में बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपकी एक सीनियर के साथ कॉल अरेंज करा देता हूँ, ऐसे ही कंफर्ट है तो आप, ठीक है। बेसिकली तुमने कोल्ड लीड को हॉट लीड कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया, तुमने एक रैंडम बंदे को जो उस कैटेगरी में काम करता है जो मैं जानता भी था से लेकर पावर लॉक को एक हॉट लीड बना दी कि हाँ ये सुन रहा है, ये जान रहा है, ये हो सकता है कन्वर्ट हो जाए और इसको हम ज्ञान देते रहते, ठीक है। तो उसको फिर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कॉल किया जाता है और इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, सुबह से बोर्ड के थोड़ा एनालिसिस करके उसके ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन डाली और फिर 1-2 घंटे में 11-12 बजे तक कॉल करते हैं, कैसे हैं सर, आपने देखा मैंने भी किया था आपका ये कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, आप बता दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं सीनियर का एक अरेंज करा था जिसमें हम और डेप्थ में आएंगे आपको पैदल। तो अब वो ना घेरे जा रहा है, अगर वो कंटिन्यू करे जा रहा है ना तो वो घेरे जा रहा है, वो घेरे जा रहा है, घेरे जा रहा है। अगर वो फिर व्हाट्सएप के क्रिएट करने के 1-2 दिन बाद हमारे साथ ऐसे वीडियो कॉल पर आ जाएगा तो उसे हम बेच देंगे, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, बोला एक लेवल के बाद व्हाट्सएप में 2-3 दिन गर्म करने के बाद मेरी काम है, तेरा काम खत्म हो, योर वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम गेटिंग दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनमें से डीपली रिसर्च करके उनसे बात करना, उनको ये समझाना, हो सकता है 10 में से 1 ही बंदा कन्वर्ट होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। हमें पूरी कैटेगरी में 100 बंदे होते हैं, उनमें से 1 बंदा सच ओके, ठीक है। तो उसको बात करके समझाना और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना एंड देन कीप सेंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड देन एक मीटिंग कॉल लेना, रिक्वेस्ट करके कि सर आप हमारे सीनियर्स का मैसेज कर लो, जूम कॉल कर लो, गूगल मीट कॉल कर लो, उसमें आपके और हम चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो तब जिस दिन वो मीटिंग हो गई उसके बाद से तेरा रोल खत्म, अब मेरा या तेरे सीनियर का रोल चालू होगा, जो तेरे से ऊपर बैठा होगा वो, yes, sir. समझ में आ गया, ओके, यस, है ना। स्टार्टिंग में हम भी ऐसी कॉल करते थे तो हमें समझ में आया कि बंदे को कोई विश्वास करने का कारण नहीं है जब तक मैं एक्सपर्ट ना
दिख रहा हूँ, और मैं कैसे एक्सपर्ट दिखूंगा जब मुझे उसकी कैटेगरी, उसके बारे में, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में सब पता है, पूरी डिटेलिंग हो, पूरी पता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू तेरे को आ जाएगी।